इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रवण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार, श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। अष्टम तीर्थे चंद्र प्रभु भगवान की बोलिए प्रातः स्मरणी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। उपस्थित महानुभाव आप सभी का हम चंद्रगिरी तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है और भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। यदि आप मंदिर निर्माण से जुड़ना चाहते हैं तो अपनी चंचला लक्ष्मी के उपयोग के दान के माध्यम से अपनी स्वीकृति इस मंच तक किसी भी माध्यम से भेजवा सकते हैं। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे और आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के ससंग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से सीढ़ियों का निर्माण पर्वत तक पहुंचने के लिए हो रहा है सीढ़ी सरोवर योजना के माध्यम से। एक बार तालियां बजाकर अनुमोदन कर दें, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां चढ़ेंगी जब ये सीढ़ियां, जब उन्हें ज्ञात होगा इस सीढ़ी का निर्माण उनके दादाजी ने, काका जी ने, फूफा जी ने, मौसा जी ने, ताई जी ने, काकी जी ने, नानी जी ने, फूआ जी ने कराया, तो इतिहास में कितने गौरव की बात होगी। इतिहास का यह गौरव आप हासिल करना चाहते हैं तो आप अपनी चंचला लक्ष्मी के उपयोग से एक एक सीढ़ी की एक एक शिला से जुड़ते चलें, जिसकी निछावर राशि 21,000 रुपये रखी गई है। यदि आपके नामों की स्वीकृति प्राप्त होती है तो हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे, आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के ससंग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, श्रीफल भेंट करने के लिए। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली संचालित है, संस्कार युक्त शिक्षा पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक। यदि आप ज्ञान दान के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो एक छात्रा को गोद लेने की योजना, जिसकी राशि 51,000 रुपये रखी गई है, आप अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। शिक्षा का महत्व तो हमारे जीवन में क्या होता है उस पर एक प्रकाश डालने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई है, भारतीय शिक्षा के मूल तत्व ऑनलाइन प्रतियोगिता है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर www.vidyasagar.guru पर आयोजित है 23 जनवरी से 30 जनवरी तक। उस प्रतियोगिता का नाम है वतन की कमान। सभी बच्चों से मेरा निवेदन, एक बार तालियां बजाकर अनुमोदन करें आचार्य भगवान के आशीर्वाद से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में चंद्रगिरि तीर्थ पर आयोजित एक प्रतियोगिता है ऑनलाइन www.vidyasagar.guru पर, जिसका नाम है, सब मिलकर एक साथ बोलेंगे, वतन की। सभी लोग हिस्सा लें, उसमें बच्चे बड़े बूढ़े सभी हिस्सा ले सकते हैं। भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, जिसके लेखक हैं लज्जा राम जी तोमर, और 23 तारीख से 30 तारीख तक, 30 जनवरी तक यह प्रतियोगिता आयोजित है। आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं और ये पुस्तक आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप फिजिकली लेना चाहते हैं तो चल चरखा हथकरघा पर जो है यहां से उपलब्ध है, मात्र 50 रुपए में आपको वह पुस्तक मिलेगी। आप उससे अध्ययन करिए, उसका अवलोकन करिए और उस प्रतियोगिता में निःशुल्क हिस्सा लीजिए और आकर्षक पुरस्कार पाइए। एक आचार्य भगवान द्वारा रचित मूक माटी और उस पे आचार्य भगवान द्वारा रचित पुस्तकें हैं, किट है, गणतंत्र दिवस किट के नाम से है, मात्र 150 रुपए में 5 पुस्तकों की किट आपको उपलब्ध होगी चल चरखा हथकरघा केंद्र से। हम सभी को प्रतिदिन आचार्य भगवान की पूजन करने का सामूहिक सौभाग्य प्राप्त होता है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो, समस्त आचार्य संघ की जय हो, मनोज जी, विभा जी, बासल अमेरिका से पधारे हैं, आपका तालियां बजाकर अभिनंदन है। छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरि तीर्थ पर आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी सरोवर योजना में एक सीढ़ी के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है, तालियां बजाकर अनुमोदना करना चाहिए दान की। माइक का बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। शीघ्रता से आ जाए सांस भेंट के लिए मनोज जी, विभा जी, बाजल, और उसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं मनीष जी, रुति जी,
रोहित प्रेमचंद मीना जी सब परिवार पूना से हैं, आप भी आए आचार्य भवन के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और राणोली राकेश जी मनोज जी छाबड़ा जो राणोली जैन समाज के अध्यक्ष हैं, आपसे भी निवेदन है दो व्यक्ति आए और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन्नेवाड़ी वाड़ी तुही जिन्नेवाड़ी माँ जिन्नेवाड़ी माँ जिन्नेवाड़ी वाड़ी तुही जिन्नेवाड़ी माँ जिन्नेवाड़ी माँ। बोलिए माता जिन्नेवाड़ी की जय हो जय हो जय हो। आप राणोली राजस्थान के राणोली जहां से गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जन्मस्थली, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। अनुमोदना। बोलिए आचार्य गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। हम सभी मिलकर आचार्य भगवान की पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। आओनी भगवन आओनी गुरुवर ध्यान मन से तुम्हें पूछो मन से दर्शन बिन अखिया तर से आओनी गुरुवर आओनी गुरुवर पूछो मन से तुम्हें ध्यान मन से दर्शन बिन अखिया तर से आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गल जिनके दर्शन को पा करके खिलते मर जाई हृदय कली। ओम भीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभो सठ आवानन जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसत सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम। कितना प्यारा तेरा द्वारा यही गुजारो जीवन सारा कितना प्यारा तेरा द्वारा यही गुजारो जीवन सारा तेरी दर्श की लगन से हमें आना पड़ेगा इस दिल पे दोबारा हमें आना पड़ेगा तेरे दर पे दोबारा संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया इस राग देश की वह तरणी से अब तक पार नहीं पाया तब विद्या सिंधु की जल कण से बब काल से धोने आया हूँ आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है निज शांति स्वरूप न जाने सका जीवन भर से भुलाया है चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निर्पामिति। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला साध्य और साधक का अंत मैंने आज मिटा डाला मैं चिदानंद में लीन रहूं पूज का यह फल पाना है पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम सी 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति।
जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना बाताऊं। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्वामिति। आओ बाबा पधरो बाबा, आओ बाबा पधरो बाबा, आओ बाबा पधरो बाबा, आओ बाबा पधरो बाबा, आओ बाबा पधरो बाबा। बाबों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिन्द्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। कल आचार्य परमेष्ठी का नौदा भक्ति पूर्वक पड़गहन रायपुर के श्री अजित जी जैन पारस हैंडलूम वालों क्या हुआ तालियां बजाकर अनुमोदना करें। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहसकुट जिना ले गई एक प्रतिमा के लिए 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। उपस्थित महानुभाव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बालाघाट से पधारे, सिवनी से पधारे, जितने भी लोग हैं और प्रतिभा स्थली छात्राओं सभी का अभिनंदन है। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें, आचार्य परमेष्ठी के सत्संग चरणों से निवेदन करते हैं। हे साधु परमेष्ठी, निर्यापक परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वध्यायाणम नमो लोहे सभ्य साहुणम। बोलो डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी बा निरामय सागर जी महाराज की। सामायिक पाठ में सभी पढ़ते हैं कि दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने सब विकार ही बमन किए, परम ध्यान गोचर परमात्म परम देव मम हृदय रहे। हिंदी में पढ़ते हैं और संस्कृत में क्या लिखा अमित गति आचार्य ने कि यो दर्शनक ज्ञान सुख स्वभावा समस्त संसार विकार भावा। हे भगवान, जो यह आत्म तत्व है दर्शन और ज्ञान से स्वभाव से युक्त है, यह बाहरी विकारों से रहित है, इसमें कुछ भी बेकार नहीं है, क्योंकि स्वभाव से यह तो दर्शन और ज्ञान स्वभावी है। इसमें बाहर से बेकार किस प्रकार से आ गए, कर्मों के कारण से आ गए, राग द्वेष मोह आदि कारण से इसमें बेकार आ गए हैं। इस अपने आप में तो यह वास्तव में तो अंदर से तो दर्शन ज्ञान स्वभावी है। ऐसा वह परम देव हृदय आत्मा हमारे शरीर में विराजमान है और आपने भगवान उस आत्म तत्व को मुख्य तत्व के द्वारा पूर्णता प्राप्त कर लिया है। जैसे आपने देखा सोना, सोना में पीलापन आता है, पीलापन रहता है, क्या उसमें अलग से आ गया? कहीं ऐसा है कि पीलापन अलग हुआ सोना अलग हुआ, ऐसा कहीं आपको मिला क्या? जब से सोना है तब से उसमें पीलापन है, प्रत्येक सोने की वस्तु में पीलापन रहेगा, अलग से उसमें डाला नहीं गया है, स्वभाव से ही है। इसी प्रकार से इस आत्मा का स्वभाव से ही
जानना देखना ज्ञानना दर्शन ज्ञानपना स्वभाव से ही है, उसमें कुछ भी नहीं है। सुख भी उसमें दर्शन ज्ञान स्वभाव भी सुख में, सुख उसमें स्वभाव से ही है। लेकिन यह मिथ्या दृष्टि जीव है, अज्ञानी जीव है, उस सुख की खोज के लिए बाहर जा रहा है, उसके कारण से उसको थकान महसूस हो रही है, वर्ष में आकुलता प्राप्त हो रही है। उस थकान आकुलता से उसको सुख नहीं होकर उल्टा दुखी प्राप्त हो रहा है। इसलिए अपने स्वभाव है आना ही सबसे बड़ा सुख है, और सुख में आने का एक ही मात्र साधन होता है देव शास्त्र गुरु रहते हैं। ये अपने स्वभाव में रहता है। चूंकि आज रविवार का दिन है और सभी भारतवर्ष नहीं सभी स्थान के लोग विदेश से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और आज विद्यालय की छुट्टी भी है यहाँ प्रतपशली की, तो यहाँ सभी बच्चे भी यहाँ पर समर में विंटर वेकेशन जो बड़े दिन की छुट्टी के बाद में ये पहला रविवार है, सब बच्चे यहाँ पर आज आए हुए हैं प्रतपशली के। तो उस समझ में आपको बताना बात करना चाहते हैं कि सबसे पहले कौन से कारक कैसे करना चाहिए। जब भरत चक्रवर्ती के यहाँ सबने घटना सुनी होगी, आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती, और उस समय आदिनाथ भगवान केवल ज्ञान हो गया था, एक घटना घटी भरत चक्रवर्ती के यहाँ पर। उसी समय जब केवल ज्ञान प्रकट हो गया तब समाचार मिल गया कि केवल प्रकट हो गया है। उसी समय समाचार मिला है कि आयुध जो शाला होती है उसमें चक्र रत्न की उत्पत्ति हो गई है, और उसी समय जो महल से रनवास से खबर आ गई कि बधाई हो बधाई हो, चक्रवर्ती आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब आप सोचो एक साथ तीन तीन शुभ समाचार, सब समाचार सब सुविधा ना कि पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई, अशुभ समाचार नहीं कहलाता है। जिसके यहाँ पुत्र नहीं हो रहा हो, संतान नहीं हो रही हो, ये लंबे समय के बाद संतान होती है, कहना ही क्या है। पिता को आनंद आता है, माता को आनंद आता है, लेकिन दादा दादी को ज़्यादा ही आनंद आता है, और बुआ का कहना ही क्या है, और मौसी का कहना ही क्या है, सबको आनंद आता है। और उसी समय चक्रवर्ती हो गया विश्व विजेता बनने के लिए, कितने बड़े आनंद की बात है, क्योंकि चक्रवर्ती पूरे 12 ही हुए हैं, 13वां नहीं हुआ है। प्रथम चक्रवर्ती पना प्राप्त होना बहुत पुण्य से मिलता है भी, और उसी समय भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हो जाना कितनी बड़ी बात। तीनों अब शुभ समाचार हैं। अब विचार कीजिए, तीन एक सा समाचार मिले, यदि आपको मिलते हैं ऐसे समाचार, सबसे पहले आप क्या करते हैं, पहले जाके विचार करो आप। हम यही सोचते हैं ना, अरे घर में उत्सव हुआ है, लल्ला आया है, संतान आई है, पहले उसको जा करके ऐसा देख लें। आप क्षत्रिय होते कुछ अच्छे होते, आप सोचते अरे पहले युद्ध करेंगे, चक्र उत्पन्न हुआ है, भगवान तो मंदिर में बैठे ही हैं, बाद में आ करके दर्शन कर लेंगे, ये विचार करेंगे। लेकिन चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि, उसने क्या विचार किया, सबसे पहले फर्स्ट हमको तो पहले भगवान की पूजन करना है, केवल ज्ञान कल्याणक मनाना है, धर्म के कार्य करना है। इस प्रकार से वह विचार करके सबसे पहले भगवान की पूजन के लिए वह समोसण में पहुंच जाता है। तो एक कथानक आज रविवार है, हम उसको बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हमको करना चाहिए। एक विज्ञान के विज्ञान जो साइंस होता है उसके शिक्षक थे, उन्होंने देखा कि लड़के बच्चे गोल बहुत मारते हैं, बच्चे जो हैं स्टूडेंट छात्र छात्राएं गोल बहुत मारते हैं, और उनको होमवर्क करने देते हैं तो होमवर्क करके लाते नहीं हैं, और बहाना करते हैं कि तबीयत खराब है, कभी कुछ है, कभी पेट में दर्द है, सिर दर्द है, ऐसे बहुत से बहाना करते रहते हैं। अब बच्चों को कैसे सीख दी जाए, सुनना, यहाँ शिक्षिकाएं भी बैठी हुई हैं, उनके काम की बात बता रहे हैं। तो शिक्षिकाओं ने भी शिक्षक ने सोचा कि इनको कैसे शिक्षा दी जावे, कैसे अपनी बात बताई जावे कि पहले आपको होमवर्क करना है, बाद में दूसरे कार्य करना है, बहानाबाजी करना है। लेकिन अब जो सामने होता वो तो माननी ही पड़ता है। अब आजकल तो कुछ ज़्यादा कड़क बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो बात समझाई जाती है प्रेम से वो समझ में आ जाती है। अब आजकल समय चला गया, कल हम आपको बताया था ना कि खीर खाओगे डंडा खाओगे, तो आजकल डंडा मारना खाने की बात तो बहुत दूर की बात हो गई है। कर सुना नहीं सुना आपने, डंडा खाओगे खीर खाओगे, अब आज डंडा वाली बात नहीं बता रहे, आज सीख वाली बात बता रहे हैं, शिक्षा वाली बात बता रहे हैं आपके लिए। तो उन शिक्षक ने क्या विचार किया, उन्होंने एक प्रयोग करके बताया।
उन्हें एक बड़ा बहुत बड़ा एक एक बर्तन लिया, पात्र लिया, बहुत लंबा चौड़ा जिसका साइज था, और उसमें बड़े बड़े पत्थर जैसे आपके आपके यहाँ पर मंदिर बन रहा ना जनारे है, काय का मंदिर बन रहा है, पत्थर का बन रहा है ना, बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं, सीढ़ियाँ बन रही है, बड़े बड़े पत्थर उसमें लगाए जा रहे हैं, और आपके यहाँ पर सहसगुट जनारे बन रहा है, पत्थर का बन रहा है। तो ऐसा उन्होंने बताया गया कि इसको पहले बड़े पत्थर से भर दिया जावे, बच्चों से कहा इसे बड़े पत्थर इसको भर दो, बच्चों ने बड़े पत्थरों से उसको भर दिया। बच्चों से पूछा क्यों बच्चों बताओ इसमें स्थान खाली है क्या, बच्चों ने कहा स्थान में कुछ भी इसमें खाली नहीं है, क्योंकि पूरा जो बड़ा बर्तन था वो बड़े पत्थरों से भर दिया गया। फिर बच्चों ने कहा इसमें कोई स्थान नहीं है, अब कैसे भरा जाएगा। तो शिक्षक ने क्या विचार किया, एक काम करो छोटे छोटे पत्थर लेकर के आओ और छोटे पत्थर से भी उसको भरने का प्रयास करो। तो बच्चों ने छोटे पत्थर ला करके उस पात्र को भी भर दिया। अब बच्चों से पूछा क्यों बच्चों बताओ इसमें कोई स्थान है क्या, बच्चों ने कहा शिक्षक जी पूछ रहे हैं उससे हमारी परीक्षा ले रहे हैं, उन्होंने कहा हाँ इसमें स्थान है, इसको भी हम भर सकते हैं। किससे भर सकते हो, बच्चों ने जवाब दिया, प्रतिभाशाली के बच्चे हो सकते हैं, यहाँ के बच्चे हों, छत्तीसगढ़ के बच्चे हों, उन्होंने कहा हाँ इसको भर सकते हैं, स्थान खाली दिख रहा ना, दिख रहा है, अभी रेत लाओ और रेत से भी उस पत्थर को उस पात्र को भर दिया। बड़े पत्थर भर दिए, छोटे पत्थर भर दिए, उसके बाद उसमें क्या डाल दिया, रेत डाल दी, उससे पूरा भर गया। अब शिक्षक ने फिर पूछा बताओ बच्चों इस स्थान को भी और भरा जा सकता है क्या, हाँ भरा जा सकता है, किससे भरा जा सकता है, पानी लेकर के आ जाओ। अब उस पात्र में बड़े पत्थर भी आ गए, छोटे पत्थर आ गए, रेत भी आ गए, अब उस पर पानी डाला तो उसके अंदर पानी भी समा गया। अब बच्चों से पूछा कि अब आप बताओ कि इससे क्या शिक्षा मिलती है, बच्चों ने क्या जवाब दिया, बच्चों ने कहा कि इससे ये शिक्षा मिलती है कि पहले बड़ा काम करना चाहिए, बाद में छोटा काम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बच्चों ने कहा आप लोग सहमत इस उत्तर से, पहले बड़े काम करना चाहिए फिर छोटे काम करना चाहिए, ऐसा बच्चों ने उत्तर दिया। शिक्षक ने फिर कहा अच्छा बच्चों ये बताओ यदि हम इस पात्र में पहले पानी भर देते, सब सामान आ रहा है इसमें ना, पहले पानी भर देते फिर उसके बाद उसमें रेत भर देते फिर छोटे पत्थर भर देते तो क्या बड़े पत्थर इसमें रख सकते थे क्या, विचार करना, बड़े पत्थर इसमें रख नहीं सकते थे, क्योंकि बस पहले छोटे उसमें से पूरा भर गया, बड़े पत्थर कैसे उसमें आएंगे। बात समझ में आ गई, रहस्य की बात समझ में आ गई आपको, अभी समझ में नहीं आई अभी हम आपको रहस्य खुद दे हैं, क्योंकि अंदर की बात है। शिक्षक ने जब कहा कि देखो बच्चों समय कितना कीमती है, हम समय में वृद्धि कर सकते क्या, नहीं कर सकते हैं, समय की वृद्धि हम नहीं कर सकते हैं, और जाते हुए समय को अपनी मुट्ठी में भी बंद नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, हम समय के अनुसार कार्य कर सकते हैं। क्योंकि उस पात्र में बड़े पत्थर यदि हम बाद में डालेंगे उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि समय सीमित है और समय को मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते हैं, अब करना क्या है ये विचार कीजिए। तब उन्हें शिक्षक ने आगे उत्तर दिया कि पहले वो कार्य करना है हम हमारे लिए जिसके द्वारा हमारा ये जन्म सफल हो जावे। सबसे बड़े पत्थर पहले डालना आपको ना, तो सबसे बड़ा कार्य कौन सा है, पहले हमारे जन्म सफल हो जाए, हमारा यह भाव सफल हो जाए, प्रभावी सफल हो जाए, इसलिए पहले इस कार्य को करो, उसके बाद में नंबर आएगा कि आप अपना अच्छा स्वास्थ्य रखो, स्वास्थ्य अच्छा रखो, उसके बाद में आपका नंबर आएगा कौन सा काम कर सकते हो आप, कि उसमें आप शिक्षा को प्राप्त करो, अपने सहमत जीवन को व्यतीत करो, उसके बाद में परिवार का काम करो, मित्रों का काम करो, सगे संबंधी वाले काम करो। संसार में समय से निश्चित है प्रत्येक जीव के लिए
अब सबसे बड़े पत्थर जैसा कार्य कौन सा है? सबसे बड़ा पत्थर कार्य तो धर्म का कार्य है, भगवान की पूजन का, भक्ति का, इसी करने गुरु उपासना जनवाणी समय स्वाध्याय करने का पहला मुख्य कार्य है। इस मुख्य कार्य को आप करोगे, बड़ा पत्थर आप पहले रख जाओगे, बाद में छोटे पत्थर की भी जगह बन जाएगी, रेत की जगह बन जाएगी और पानी की जगह बन जाएगी। इसलिए सबसे पहले चाहे आपके दैनिक जीवन का कार्यक्रम हो, चाहे आपकी दैनिक योजना का आप बना रहे हो, वार्षिक योजना बना रहे हो या संपूर्ण जीवन की योजना आप बना रहे हो, तो आपको सबसे पहले यही कार्य करना पड़ेगा कि मुख्य कार्य कौन सा है, प्रथम कार्य कौन सा है। आप बच्चों पढ़ाई करना जानते हो ना, तो आप प्रयास करते हो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, मुख्य प्रश्न कौन सा है, पहले उसको हम कौन सा पहले उसको तैयार कर रहे हैं। बाद के पेपर बाद में तैयार करेंगे, जब जो बुद्धि हम लगाते हैं। इसी प्रकार से संसार रूपी जीवन में जो हमारा इस भाव परलोक में कारक हो सकता है, धर्म का सब वो मुख्य कारक कहलाता है। इसलिए उसको पहन करके उसको आप कर करो। महंगी से महंगी घड़ी आप खरीद कर पहन भी लो, कितनी महंगी घड़ी आती है आपने सुना? हमने पढ़ा था आर्टिकल में, एक आज 10 साल पहले एक घड़ी लगभग 80 या 90 करोड़ की थी। कितने करोड़ की? 90 करोड़ की थी। क्या विशेषता थी? उस पूरे में डायमंड वगैरह लगे हुए थे। बड़ी महंगी से महंगी घड़ी पहन के देख ली, कभी भी समय हमारे अनुसार नहीं चला। हमको समय के अनुसार चलना है। पहले बड़े पत्थर को भरोगे, बाद में अपना सब काम होता जाएगा। पहला कार्य तो कौन सा कार्य है? भगवान धर्म का कार्य है। बच्चे से पूछा, बच्चा बताओ घड़ी तुमने देखी है? हाँ घड़ी देखी है। अच्छा बताओ घड़ी में कितना बजा है? हमको मालूम नहीं है। अरे नहीं मालूम, देख क्या? अच्छा घड़ी में बड़ा काटा कहाँ पर है और छोटा काटा कहाँ पर है? मतलब जो पूछने का था कि कौन से अंक में बड़ा काटा है, कौन से अंक में छोटा काटा है। बड़ा काटा 9-10 के, छोटा काटा 9-10 के बीच में है और छोटा काटा 6 पर है, तो 9:30 पर जाएंगे, है ना। अब बच्चे से छोटे पर पूछेगा कि देख के आओ कि घड़ी में कांटा जो है कहाँ कहाँ पर है। बच्चा वापस आया, बड़े भाई को जवाब देता है, भैया भैया दीदी दीदी दोनों कांटा घड़ी के अंदर हैं। हमारा आत्मा सुख जो ज्ञान दर्शन है वो हमारे अंदर है। बच्चे ने कितनी अच्छी बात कही, छोटे बच्चे ने, उसकी बात को सुनकर हम हंस रहे हैं। उसने सही बात कही, दोनों कांटे चाहे बड़ा हो चाहे छोटा कांटा हो कहां पर है? घड़ी के अंदर है। उसी से समय का पता चलता है। अंदर कांटे नहीं होने समय का पता कैसे चलेगा? ये आत्मा के अंदर ही, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसी के अंदर यह दर्शन ज्ञान और सुख अंदर है। बाहर सुख दर्शन नहीं है, बाहर सुख का वास है। इसलिए देव सास गुरु के माध्यम से समय की कीमत को पहचान करके हम अपने अंदर आत्मतत्व को प्राप्त करें, अपने सुख स्वभाव को प्राप्त करें। यही हमारे लिए संदेश है, यही उपदेश जनवाणी का है। समझ बात आ गई ना? आज रविवार आपके लिए सही ढंग समझ में आ गई कि अंदर सुख है, बाहर सुख नहीं है। बाहर आप प्रयास करो। इसलिए उसमें कहा गया है कला 72 पुरुष की जामे दो सरदार, कला 72 पुरुष की जामे दो सरदार, एक जीव की जीविका एक जीव उद्धार। इसलिए आत्मतत्व को प्राप्त करके अपने आत्मा के उद्धार की बात करो। यह लोक परलोक में हमारा कल्याण हो, इसी कल्याण की भावना के साथ में आपका समय हो गया है, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्यों को सबसे पहले समय देना आवश्यक है। जावाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरुण सदा जितु, हे जिनवाणी भारती तो जपो जिन जो तेरो शरणा गये सो पावे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रवण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार, श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार, अहमदाबाद।